नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमारी टीम स्वच्छता अभियान, वही स्वच्छता अभियान जो शहर में 60वें स्थान पूरे भारत में भिलाई को मिला है, उस स्वच्छता अभियान की पोल खोलेगी और जो बताएगी कि जगह जगह वास्तव में भिलाई और जो दुर्ग शहर है वो स्वच्छ है या नहीं है। हमारी टीम आज रुआबांदा बस्ती से होते हुए तालपुरी कॉलोनी से होते हुए बोरसी बस्ती और फाटक बोरसी में जो फाटक है उसके उधर सार बोरसी का जो पूरा एरिया है वहाँ का जायजा लेगी। आज आप जानने का प्रयास करें कि आपका शहर क्या वास्तव में स्वच्छ है, क्योंकि शहर में एक साइड तालपुरी और रुआबांदा की बात करें तो यहाँ भिलाई नगर निगम आता है, दूसरे साइड में जब बोरसी स्टार्ट हो जाता है तो वो दुर्ग नगर निगम में आ जाता है। दोनों जगह दोनों निगम अलग हैं और दोनों जगह ही लेकिन सरकार बघेल जी की है, कांग्रेस की है, महापौर कांग्रेस के हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि स्वच्छता अभियान कितना वास्तव में शहर स्वच्छ है। उसके अलावा एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, केंद्र सरकार की तरफ से जो बीजेपी है फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कई लाखों रुपये राज्य को, छत्तीसगढ़ राज्य को मिलता है स्वच्छता के लिए, क्योंकि मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान था उसके तहत। तो देखते हैं उस पैसे का सही इस्तेमाल हमारी जो शहरी सरकार है वो कर रही है कि नहीं कर रही है। आइए साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं, ये इधर साइड में तालपुरी है और पूरी कॉलोनी है, तालपुरी जो है पूरी कॉलोनी है जो भिलाई में नहीं रहते उनके लिए बता रहा हूँ। और इधर साइड में इस रोड में जब हम बढ़ते हैं, आगे आते हैं तो ये रोड जो है जाती है बोरसी, ठीक है। जैसे ही यहाँ से पार हम लोग करेंगे, रोड से पार करेंगे अभी मैं आपको लेके जाऊँगा, तो वो आ जाता है दुर्ग निगम के अंदर में। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर, ये भिलाई निगम के अंतर्गत है और भिलाई निगम में कांग्रेस की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है। आप देख सकते हो स्थिति यहाँ पर, ये देखिए स्वच्छता अभियान। मैं आपको इस वीडियो के जरिए स्वच्छता अभियान दिखा रहा हूँ, भिलाई का 60वां स्थान था। ये देखिए पूरा डंपिंग जोन बना रखा है, पूरा डंपिंग जोन देख सकते हो आप, कचरा यहाँ से लोग गुजरते हैं, कम से कम 4 से 5 क्षेत्र में जुड़ता है ये एरिया जाकर। यहाँ आप जाएंगे इधर से होते हुए तो इधर साइड में आपको अपना मैत्री कुंज पड़ेगा, दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में बोरसी आएगा, ठीक है। और ये पूरा भिलाई निगम का अंतर्गत में, इधर साइड में तालपुरी है और दूसरी साइड जाएंगे तो वहाँ से हम लोग दुर्ग की ओर जाते हैं। फिलहाल इस क्षेत्र में निगम है, भिलाई निगम के अंतर्गत आता है। और आगे भी मैं आपको लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा स्वच्छता अभियान में जो हम कागजों में बोलते हैं, न्यूज़ों में बोलते हैं, क्या वास्तव में हम स्वच्छ हैं, हमारा शहर स्वच्छ है, तो उसकी तस्वीर मैं इसके ज़रिए आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे में कितना स्वच्छ है हमारा शहर। देखिए दोस्तों, स्वच्छ भिलाई, सुंदर भिलाई की तस्वीर मैं आप लोग को एक दिखाना चाह रहा हूँ। हम लोग आप जानते हैं बहुत दिन से स्वच्छता पर अलग अलग जगह जा करके स्वच्छता की पोल खोल रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये पूरा एक क्षेत्र है, एक ग्राउंड था और बकायदा ये ज़मीन है, और अब यहाँ ज़मीन कहीं नज़र आ रही है आपको कि नहीं, ये आप डिसाइड करिए। पूरा दलदल में तब्दील हो गया है, ये रहने वाला क्षेत्र है, ये घर है जहाँ पर लोग रहते हैं, कॉलोनी है, बकायदा बसी बसाई कॉलोनी है और कॉलोनी बस्ती में आती है, कॉलोनी बस्ती है इसके आगे में, बोरसी बस्ती है ये। और देख सकते हो आप यहाँ पर कि स्थिति क्या है। ऐसे तो भिलाई काफ़ी स्वच्छ है, स्वच्छता के नाम पर मैंने आपको कल बताया था, सिविक सेंटर में चाय के ठेले,
छोटी छोटी गुमटियाँ, उनको स्वच्छता के नाम पर हटा दिया जाता है। और ये एक स्वच्छता है, देखिए देख सकते हैं आप शहर की स्वच्छता किस हिसाब से काम हमारी शासन प्रशासन और नेता करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। गंदगी का आलम आप देख सकते हो क्या है। ये देखिए दोस्तों, उसी कड़ी में देख सकते हैं आप गोबर, गोबर का पूरा पूरा लेप साइड में पड़ा है। और ये जो ये एक्चुअली ये सड़क है, ये एक्चुअली सड़क है, सड़क का पूरा क्षेत्र है जिसको पाट दिया गया है साइड में। और ये नालियाँ भी आप देख सकते हो। ये देखिए नाली में मक्खी मच्छर से कितने लोग बीमार हो सकते हैं। किस दिन हमारा देश सुधरेगा पता नहीं, किस दिन शासन प्रशासन की आँख खुलेगी। आगे और भी आपको मैं दिखाऊंगा साथियों, एक नज़ारा और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है मरा हुआ जानवर, आप देख सकते हो। और यहाँ शिकार बना रहा है उसका कुत्ता, उसका मित्र, उसका दोस्त। और ये बताते हैं बहुत दिन से पड़ा हुआ है ये जानवर, काफ़ी यहाँ बाज भी आ रही है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और मैंने बोला नज़ारा आपको दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं निगम का हाल क्या है। ये जो सड़क है पूरी, ये दुर्ग निगम के अंतर्गत है ना। तो दुर्ग में जो बैठे अधिकारी हैं निगम में और मस्त मलाई खा रहे हैं, उनको इन सड़कों के बारे में और इन जगहों के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, दिखना चाहिए। केवल वोट लेने आ जाते हैं वोट के समय पार्षद। तो आगे इसी कड़ी में आगे और बढ़ूंगा और आगे मैं आपको बोरसी कॉलोनी में ले जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, स्वच्छता अभियान, दुर्ग निगम का स्वच्छता अभियान जो बता रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये बता रहा है कि निगम के जो अधिकारी हैं क्या मस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार में। ये दुर्ग निगम का हाल है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए यहाँ के पार्षदों से, यहाँ के अधिकारियों से कि आप क्या कर रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों नालियों का हाल, देखिए ये देखिए कैसे एक ज़मीन को, कैसे एक क्षेत्र को पूरी तरीके से दलदल में, पूरा एक क्षेत्र दलदल में तब्दील हो जाता है। और हमारा जो निगम है, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वो सोते रह जाते हैं और चुनाव के समय में आ जाते हैं वोट मांगने। देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ राज्य में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस और बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर वैसे तो हम लोग छोटे लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर बघेल जी हमारा ये वीडियो देखें तो आने वाले समय में एक साल बाद चुनाव हैं, थोड़ी आँख खोल दीजिए बघेल जी। ये देखिए दुर्ग में और भिलाई में दोनों जगह आपकी सरकार है, निगम में भी आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है। आगे इसी कड़ी में और आपको ले चलूँगा और दिखाऊंगा आपको स्वच्छ भारत अभियान। देखिए दोस्तों, स्वच्छता भिलाई स्वच्छता हाल आप देख सकते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम आगे बढ़े जा रहे हैं और ये जो थिएटर है जिसको पूरा दलदल बना दिया है, पूरा दलदल बन गया है यहाँ पर ध्यान ना देने की वजह से,
अब देख सकते हैं हालत का। करीब करीब मान के चलिए ये जो दलदल है आधा किलोमीटर को पार करके हम आए हैं, आधा किलोमीटर के इसमें। देखिए साथियों, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं फाटक, ठीक है। इधर बोसी बस्ती है, उधर बोसी कॉलोनी, उसमें एक्सटेंशन, बोसी एक्सटेंशन वाला क्षेत्र आता है, वहाँ से प्रगति मैदान तक पहुँचते हैं। अब देखिए ये हाल जो मैंने आपको दिखाया पहले, ये देखिए स्वच्छता अभियान के तहत काम कर रहे हैं हमारे नेता, हमारे अधिकारी। ये देखिए, आप देख सकते हो क्या हाल है, डंपिंग जोन बना के रख दिया है इसको। यहाँ पर पूरी बस्ती है, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, समस्या हो सकती है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमारा स्मार्ट सिटी का क्या हाल है। केंद्र सरकार से पैसा मिलता है, यहाँ पहले तो रेलवे वगैरह की लड़ाई चलती है, भिलाई में स्टील प्लांट है, उनका और निगम का आपस में झगड़ा चलता है क्योंकि अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए ना तो लाइ स्टील प्लांट है, ना तो निगम है, ना अधिकारी है, ना नेता है, ना कोई है। और विपक्ष में बैठी बीजेपी है, वो भी मदमस्त है, देख सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में मैं आप लोग से विदाई चाहूँगा। ये स्वच्छता का हम लोग आपको दिखाए थे, लगातार दिखाते हैं, आगे फिर किसी ना किसी समस्या को लेकर के हम लोग लेकर के आएंगे। आप लोग के पास अगर कोई समस्या है, स्वच्छता को लेकर के समस्या है, गंदगी को लेकर के, तो आप लोग हमें इन नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह गूंज लाइव से विदाई चाहूँगा साथियों, नमस्कार।